हेलो। सो हेलो जी एंड जोहार, सब को स्वागत है अपने एक नए मोटो ब्लॉग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स मदारी और सिलीगुड़ी, धूपगुड़ी, जलपाईगुड़ी एंड माल बाजार। तो चलते हैं थोड़ा सा मदारी की तरफ। और आज संडे है और टाइम हो चला है 4:30 और हम लोग निकले हैं अभी हल्का एक राइड करने के लिए। एक छोटा सा मीटिंग है उसको ख़त्म करेंगे और मेरे साथ हम बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल के हम बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ है शरद दा जो पीछे बैठे हुए हैं और मिरर में भी नहीं देखे क्योंकि मैं पूरा क्लोज करके चला रहा हूँ। सो यही है और ये है हमारा आइकॉनिक इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे पहला फ्लाई ओवर बना है तो इसको आइकॉनिक ही बोलना चाहिए और हर कोई इसी से जानता है। हाशीमारा में अभी 4 चांद लगाने का काम यही किया है कि यहाँ एशियन हाईवे बना दिया है विद इतना अच्छा से मेंटेन करके बेटा। और यहाँ पे जब बना दिया है एशियन हाईवे तो यहाँ पे जाहिर सा बात है हल्का फुल्का ट्रक ट्रैफिक आपको मिलेगी ही। सो इसको तो हम लोग बाय हाथ से पार कर लेंगे। चलिए चलिए, ऑल्टो महाराज ये क्या हो गया, हे भगवान। और द बिग डैडी स्कॉर्पियो एक गलत साइड के वजह से सब जगह जाम हो चला। एंड बहुत दिनों के बाद पिछला वाला व्लॉग लगाया था 1 महीना पहले एंड अभी एक बार फिर से शूट कर रहे हैं और देखते हैं। और आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि क्वालिटी में कुछ आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज थोड़ा सा ट्राई हम लोग कर रहे हैं कि कुछ चीज़ करें एंड होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। बैरिया दावा ई साइड में दा ई जे हुई है नहीं शरद दा ई बटे शूट का हाथों भितरे घुस के उजकल उतर के जगह है भितरे। एंड वही बोल रहे कि एक बसरा सुया विद ब्लैक पेन तो थोड़ी गंदी हो गई है। एंड नाउ वी आर इन तुरसा ब्रिज, जय माँ काली। एंड लुक एट द व्यू, जब जब कोई यहाँ पे आता है यहाँ पे उतर के एक फ़ोटो लेता ही लेता है बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ ये जो माउंटेन। यहाँ से अभी तो क्लियर नहीं है बट दिखते हैं, काफ़ी अच्छा दिखते हैं और एक मस्त शांति सा जगह है। जब भी कुछ होता है मैं तो यहीं पे आके मतलब बाइक राइड करता हूँ और मज़ा भी आता है। अरे यार अब भी ठीक करके देता हूँ। इतना ट्रक ट्रैफिक चचा, बाप रे बाप, 60-65 में चला रहा है ट्रक, वाह बेटा। और इधर में तो एक ठो बम्पर अजीबे टाइप का बम्पर है, स्पीड में पार करने में भला ही है। सो या फाइनली कैसे हैं आप लोग थोड़ा बताइए कमेंट सेक्शन में। और मिस करते हैं या नहीं, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत कोई भूल भी गया होगा कि कौन साधरी मोटो ब्लॉगर थोड़ी था कोई, बस ऐसे सब्सक्राइब करके रखे हैं बट कोई नहीं भाई, हम आएंगे। करण अर्जुन आ गए हैं, हम भी आएंगे। एक्सपल्स बैरिया दवा मुंडा छुट्टियाँ। लेट्स गो चलते हैं इधर से। रोड जो है
काफ़ी बढ़िया लगता है। और इधर बाइक राइड करने में तो और ही ज़्यादा मज़े हैं। चलो 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 दादा, ओ बेटा बिग डैडी, वो सब हैवी ड्राइवर है, तो फिर लेफ्ट राइट दोनों साइड से ओवरटेक करते हुए। और कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था यार, मेरे को तो पूरा इस बात का लग रहा है। ठीक है, शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, नसीम शाह, अच्छा बॉलिंग लाइनअप, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है करंट में बोलने से पाकिस्तान के पास। बट वही है ना, थोड़ा सा ख़राब इसीलिए लगा, बेचारों को 49th ओवर तक फील्डिंग कराया लेकिन उनकी बैटिंग आई नहीं। क्या बोले, एटाई तो जीवन। लेकिन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन भाई साहब, हैवी ड्राइवर लोगों को पकड़ते हैं थोड़ा हैवी। ओ माय गॉड, वाह, दरिया नहीं 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 बेटा जी, आप चलिए। दिखता ही तो नहीं है साला, गाड़ी आ रही कि नहीं। अब अशोक लेलैंड तो फाइनल है, अभी हम लोग आ रहे हैं मदारी के पास। मदारी के पास कहाँ पे, वो आपको जाके दिखाते हैं। मदारी में एक मीटिंग है, मीटिंग करेंगे उसके बाद वापसी आएंगे। साहब क्या ही बताएं, ये जो फीलिंग है ना, फीलिंग समझ ले दिल जाने। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सा साइड दीजिए भैया जी। बोला था मीटिंग मेरी नहीं है, मीटिंग है शरद आगे, वो अपना मीटिंग निपटाएंगे, थोड़ा सा मोटो ब्लॉग करेंगे आप लोग के लिए, कंटेंट शूट करने की कोशिश करेंगे, बाकी सब एकदम बढ़िया है। आ जाओ बॉस, अभी मैं भी फॉर्म में दिला दूंगा। ओ, ओ, ओ। नहीं जी, जुगनू राइडर झूठ मूठ का फ्लैश लाइट जला के चल रहे हैं। जुगनू राइडर इन द सेंस जो इंडिकेटर फ्लैशर लगा के बिना मतलब का इस टाइप का ब्लिंक करते जाते हैं, इसीलिए उनका नाम रख दिया है जुगनू राइडर।